अपनी भारतीय जनता पार्टी के परिवार की अगुवाई करने वाला अपना प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी साहब मंच पर बिराजेड़ा जका को गीत आप सुनो फेर आसी रे मोदी फेर आसी। ये देश का कानून मंत्री और हिंदुस्तान बनने के बाद दूसरा कानून दलित समाज का मंत्री और अपना चहेता कलेक्टर अभी जद बात चल रही अर्जुन जी मेघवाल आसी तो कई जना मैंने बोला अभी अपना पुराना कलेक्टर जगह मारे ढाणी में गया ईशा अर्जुन जी मेघवाल साहब हिंदुस्तान में किसानों की आवाज बनके आपने राजस्थान में प्रभारी के रूप में जीवन का आखिरी सांस तक राजस्थान की उन्नति के वास्ते किसान की तरक्की के वास्ते जगह सपनों सोचे साहब राम साहब सिंह जी वर्मा साहब बांगा योग्य सपुत्र प्रवेश जी और थारा और महारा मेरा तो छोटा भाई और घनकरा सा सतीश जी ने सतीश जी भाई साहब के वह इसे अपना प्यारा सतीश जी भाई साहब मंच पर भी राजेड़ा आज भादरा का विधायक जी को भाषण सुनकर आनंद आ गयो और आज भंग सके चूरू का विधायक जी हरलाल को भाषण सुनाओ आंखों में भावुकता को पानी देखकर एक सच्चा किसान के बेटा को दर्द झलक्यो बांगे सहित सारा नेतागण और सुबह 10:30 बजे उठा बिराजेड़ा ये चुरू लोकसभा के गांव गांव ढाणी ढाणियों पधारेड़ा मोतियों महंगा किसान भाइया पार्टी का प्रमुख कार्यकर्ता बंधुआर मित्र मैं कोई लंबी बात कहने वास्ते खड़ो को नहीं हो मैंने मालूम है आप भी शख्सियत न सुनना चाहो एक किसान की झोपड़ी जन्म लेकर संघर्ष को पर्याय बनकर संघर्ष ने सिद्धि तक ले जाकर एक हाथ गंवाने के बाद भी आपने ही देश का गौरव बना पद्मश्री पद्म भूषण जगाना पूरा हिंदुस्तान जाने ईशा अपने उम्मीदवार थे देवेंद्र जी झाझड़िया की बात सुनना चाहो आप सीपी जोशी साहब की बात सुनना चाहो मैं तो आपने धन्यवाद देने वास्ते खड़े हूं जोशी साहब हमारा इलाका के अंदर 1,000 रुपया के अंदर भी मजदूर को नहीं मिला फसल कड़ी है सरसों की कटाई जोर पर है भी वक्त में काम काज छोड़कर लोग आया है और वो सोच कर आया है को चुनाव देश का सम्मान को चुनाव और चुनाव देश का अभिमान को चुनाव और इस चुनाव के माध्यम आपनो देश दुनिया की सर्वोच्च ताकत बने वो ताकत देना को चुनाव है बात से लोग मोदी जी के भी बात ने लेकर आया है। अब आप पिछले दिन कई कार्यक्रम में भाया गया गांव में गया लाभार्थीगण गया महिला शक्ति बंधन को कार्यक्रम करो आपने जिला के अंदर भगवान की सौगंध खाकर क्यों कोई शो घर नहीं हुई जी घर में मोदी जी को कोई न कोई उपकार नहीं बोलतो कि ना मकान मिलो है कि ना झोपड़ कि ना घरों मिलो है कि ना गैस मिली है अरे और तो और तो याद करो भाई आदमी आदमी को नहीं मिला कर तो कोरोना में भी वक्त आप सोचा करता जीवन जीतोगो मृत्यु हारेगी तो वैक्सीन अपन 80 करोड़ लोगों ने आज तक अनाज मिल रहे है बिना थारा कोई मांग कर खाता में 6,000 रुपया जा रहा है तो भजन लाल जी डबल इंजन की सरकार बिना 8,000 कर दिया फिर 12,000 करेगा अरे इलाका में एक दो दिन नहीं सतीश जी भाई साहब ने पतो है
आपने अठा राजस्थान में 19,600 लोगों की जगह जमीन नीलाम हुई, कर्जा की बात कांग्रेस करी। बिंगंदर सतीश जी 1800 लोग ही चूरू जिला में। अरे एक तरफ तो बे लोग, मैं आपने एक ही बात कहना चाहूंगा भाइयों, टिकट देना टिकट कटना की चर्चा बहुत जोरों पर है, और अगर टिकट कटाना की मेरी हिम्मत होती तो आप सबके सामने बात है, राजसमंद हूं, मेरो नाम पैनल में लेके गया सीपी जोशी जी, अजमेर हूं सतीश जी को लेकर गया, टिकट को नहीं मिली, सीपी जोशी जी को हुक्म आयो जाओ जमीनी कार्यकर्ता के रूप में गंगा यमुना संस्कृति ने मजबूत करना वास्ते। अगर 35 साल हूं ईमान दे रहे हूं 36 कौम की सेवा करिए तो राजेंद्र राठौर जाओ चूरू गगली में जाओ उप तक नहीं। और भाइयों 13 टिकट बदली है, अब तक 22 टिकट की घोषणा में 13 टिकट बदल गई। आपने गंगानगर के अंदर 5 बार का सांसद निहाल चंद जी ने की टिकट बदल गई, क्योंकि बड़ा 8 मुंह 2 लोग ही जीते बीजेपी का। आपका पड़ोस में नरेंद्र जी खिचड़ की टिकट बदल गई, क्योंकि 8 मुंह 2 लोग ही जीत्या। आपने राहुल जी की टिकट बदल गई, क्योंकि अठे भी 8 मुंह 2 जीत्या जी में एक तो हरलाल बैठो ने भी, हरलाल तो राजेंद्र राठौड़ को छोटो भाई के रूप में एक दिल दो जान के रूप में जीत। इस मुगाल तो करना चाहे, मैं तो आपने इतो ही कह सकू का पिछला कई वर्षा मेरे को मैंने आप जानो, सतीश जी ने याद होगो बलराम जी जाखड़ ने चुनाव में पछाड़ा में सतीश जी, मैं और राम सिंह जी वांगे घर पहुंचा, कमला जी थाली लेकर तिलक लगावा, मैं कहो तिलक लगाओ देखो बड़ो पछाड़ करके योद्धा आयो है, तो राम सिंह जी ने कहने लगा थे तो नाका हो, पहला मैं मेरा देवर की लक्ष्मण रूपी राजेंद्र राठौड़ को तिलक करूंगी, क्योंकि लक्ष्मण रूपी राजेंद्र राठौड़ गांव गांव डाणी डाणी में लख जगाती। याद करो जय सिंह राठौड़ को चुनाव और राम सिंह कस्बा को चुनाव, 167 वोटों को चुनाव। आज ही मंच पर मेरो बेटो पराक्रम बैठो को बैठे, मैं भी सर पर हाथ रख के कह सकूं आज तक की पार्टी के वास्ते कोई भी उम्मीदवार बनो राजेंद्र राठौड़ जिंदगी में कदे जाति देखी ना पाती देखी जान लड़ा दी बिंगे वास्ते। और मेरी आंखों में आंसू आ जावे जब मेरी इतनी तपस्या के बाद आज मैंने सामंत के वह आप मुशा कोई मिनख नहीं होगा जगह मेरे घर कदे नहीं आया होगा या मैं आपके इनको नहीं आया होगा, थाना थारा भगवान की सोगन थे मेरे घर में आया हो या मैं थारकिन गया हूं। आज सुबह 5 बजे लेके रात में 11 बजे तक थारी खिदमत में 6 फुट 2 इंच को इंसान कदे खड़ो नहीं मिले हो तो गुनाहगार हूं आपको, और फिर भी कोई गुनाह मेरे मुंह हुए है तो बस सजा दे दीजिए। पर सवाल मोदी जी को है, देश को सवाल है, इमें कोई चूक नहीं हो जावे। डबल इंजन की सरकार बनेड़ी है भाइयों, और डबल इंजन की सरकार में भजन लाल जी की सरकार अभी पुना पौने 5 साल चलेगी। आपने वो नहर को मुद्दो, आपने प्यासो आपने जिलो यमुना को पानी को समझौतो, इस समझौता के अनुसार जे आपने रगा में खून दौड़े पानी दौड़े जिला के अंदर इच्छा लेकर भाई देवेंद्र झाझड़िया मैदान में है। आपको मेरी प्रार्थना है, मैं कोई लंबी बात को नहीं करूं, पर जब फूल छाप कांग्रेस का दिन लदा है, याद कर लो भाई सब भाइयों डूकिया जी चुनाव में खड़ा हुआ, अभी ए बैठे है वैद्य जी ए पूरी बात ए बता देता, जयनारायण जी पूनिया खड़ा हुआ तो के बात हुई, बहादुर सिंह जी कालवा साला खड़ा हुआ तो के बात हुई, अरे सतीश जी पूनिया भी तो राजगढ़ खड़ा हुआ जब के बात हुई। आज ए फूल चाप कांग्रेस को जब षड्यंत्र खत्म हो रहे है जब कह रहा है, और कई बार तो कह रहा है कि मेरे लिए आजकल मांगी फोटो कौन छुपा है,
भाई राहुल जी थे तो भी राहुल कन गया उसका दुनिया पप्पू के वह एक ही राहुल बहुत है, अब दो हो गया। अब मेरी बात मेरी समझ में कोई नहीं आया, थारा दिला में मेरी फोटो है तो मैंने कौन सी फोटो की जरूरत है। ये वास्ते है मेरा तो आप इतो ही निवेदन है, और अभी आप रास्ता में आया हो राम मंदिर जी का, राम मंदिर बनना का पोस्टर लाग रहा है, राहुल जी लिख रखी है राम मंदिर बनाने के लिए, धन्यवाद मोदी जी। अभी 10 दिन पहले मैं एक स्टेटस देखो, सब लोग माने के मोदी का परिवार वो मोबाइल पर राहुल जी स्टेटस लगा रखे, मोदी का परिवार की बात क्या नाला, परिवार जब जंग में उतरे लड़ाई में उतरे वे भाग जावे, 35 साल में 14 बार टिकट लेने वाला भाग जावे। फैसलो थार कने भाइयों, अगर कोई गुनाह है तो पल्ला बांध्या, नहीं तो चूक मत कर जाया। और अगर मैं मेरी बात समाप्त करूं, ईश्वर ने खुदा ने राम जी ने सालासर बालाजी ने माता जी ने सब ने मानने वाला लोग हो, हाथ खड़े होकर के सीपी जोशी ने विश्वास दिलाओ कि एक हाथ के देवेंद्र सा गए, ये सारा हाथ है सीपी साहब, एक हाथ देवेंद्र को नहीं अनेकों हाथ देवेंद्र का है। आज सीट जिता के भेजांगा, प्राण दे दूंगा पर सीट जिता के भेजांगा। आए शब्दा का सागर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। राहे जहां तक